ब्लैकबक स्टेट एनिमल है आंध्र प्रदेश का असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली में है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आफ्टर ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया प्रपोज ड्राफ्ट किया था बाय नेहरू कमिटी श्री अश्विनी कुमार दत्ताजी ने एस्टेब्लिश किया था स्वदेश बंधब समिति आज के सवाल है सिंगुरैम काफी न्यूज में है सिंगुर डैम इज बिल्ट इन विच स्टेट एंड विच रिवर हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एलिस इन द वंडरलैंड विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड अग्नि प्राइम कुछ ही दिन पहले अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ ओडिशा कोस्ट विच स्ट्रेट स्ट्रेट क्या होती है नेहरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू दिस बिग वॉटर बॉडीज सो विच स्ट्रेट कनेक्ट्स मेडिटरेनियन सी टू द अटलांटिक ओशन फोकल लेंथ क्या होगी कॉन्केव लेंस है जिसका नंबर है माइनस फाइव डी अजमेर में है अढ़ाई दिन का झोपड़ा हु बिल्ट दिस मॉस्क सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वो कैबलरी है एडवर्जरी एडवर्जरी का मतलब है वो ऑपोनेंट है राइवल है एनिमी है मॉरेटोरियम मॉरेटोरियम जैसे लोन मॉरेटोरियम था एम्बार्गो कुछ टाइम के लिए वहां पर हॉल्ट लगाए बैन है प्रोहिबिशन है समथिंग लाइक दैट प्रोसिक्यूट करना अक्सर जुडिशरी में हम प्रोसिक्यूट वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब है उसके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट और कंडक्ट लीगल प्रोसीडिंग कानूनी कार्यवाही हो रही है अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन कैप्टिवेट कैप्टिवेट मतलब वो बहुत चार्मिंग है एंड थ्रिलिंग है लॉबी 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 मतलब टू सीक टू इन्फ्लुएंस किसी लेजिस्लेचर का ऑन एन इशू जैसे लॉबी हो जाती है फार्मा कंपनीज की लॉबी हो जाती है से वैक्सीनेशन वालों की लॉबी हो जाती है फार्मर यूनियन सिविल सर्वेंट इवन देर आर लॉबीज तो दे सीक टू इन्फ्लुएंस अ लेजिस्लेचर ऑन एन इशू सो दीज आर सम वोबुलरी वर्ड्स इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स है सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप गवर्नमेंट ऑन एक्स ग्रेशिया रिगार्डिंग कोविड नाइनटीन दिस इज ड्रोन्स जम्मू एंड कश्मीर में ड्रोन्स बैन हो गए हैं आज हम बड़े अच्छे से समझते हैं इस इलेक्टोरल साइकिल को बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट आया है इलेक्शंस नो गारंटी अगेंस्ट टायर एनी सो विल गेट टू नो कि इलेक्शन कमीशन क्या है बॉडी क्या है और इसने क्या रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं देन डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं वोरा कमेटी गोस्वामी कमेटी और अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कुछ सजेशन मांगे हैं विल हैव अ लुप एक सवाल भी तैयार करेंगे ट्विटर नोटिस टू ट्विटर ओवर पोर्नोग्राफिक कंटेंट और हंड्रेड एनिवर्सरी है अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1921 टू टू 2021 विल गेट दिस ट्वेंटी बर्ड्स ड्रॉपिंग स्मॉल डोजेज दिस इज इकोनॉमिक रिकवरी डेजर्ट होम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आईपीएल एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का आज हम इसका कैरेक्टर समझते हैं कि कैसे ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वर्क करती है देन नाइनटीन लिबरलाइजेशन है री एग्जामिनेशन नेसेसरी है बिग टेक फॉर्म्स को अकाउंटेबिलिटी सेट करना ज़रूरी है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने का ये है कथकली और कुछ डांस फॉर्म्स विल गेट टू नो अबाउट दिस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया देन फिजिकल डेफिसिट है करंट अकाउंट डेफिसिट है लोकेशन नो बार टूरिज्म इम्पैक्ट हुआ है आउटपुट जो नंबर है वो बड़े हैं बट इसमें बेस इफेक्ट भी है देन दिस इज नैशनल डॉक्टर्स डे है आज ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं देन भारतीय नौसेना में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कुछ स्टेप्स लिए गए विप दिस इज सी सेट सोल इन सर्टन क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट अवर रेफरेंस मटीरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन सी ये फ्रंट पेज है द हिंदू का फर्स्ट न्यूज है दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप गवर्नमेंट ऑन एक्सग्रेशिया कुछ ही दिन पहले इसका मीनिंग समझा था कि अगर किसी को कुछ नुकसान हुआ है कोविड नाइनटीन के कारण अगर लॉस ऑफ लाइफ हुआ है तो कुछ वहाँ पे एक्सग्रेशिया सपोर्ट गवर्नमेंट उनको देगी फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है लाइक like दैट तो सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट को उसने यहाँ पे जिम्मेदारी ठहराने के लिए पुल्स अप किया मतलब उसको कुछ गवर्नमेंट को यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जा रही है गवर्नमेंट को थोड़ा क्रिटिसिज्म भी किया एन डी एम ए को छः हफ्ते में फिक्स करने के लिए कहा रूल्स फॉर कंपनसेशन टू कोविड नाइन्टीन विक्टिम्स किन छ हफ्ते का टाइम दिया है विक्टिम्स हैं उनके किन को कोविड नाइन्टीन रिलेटेड कुछ एक्स एक्सग्रेशिया कंपनसेशन दें अब ये किसको ऑर्डर किया है एन को एन क्या होता है नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी इनके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर तो रिकमेंड किया है एक्स एक्सग्रेशिया फैमिलीज़ को प्रोवाइड किया जाए हु लॉस देयर लव्ड वंस ड्यू टू कोविड नाइन्टीन अब सरकार का ये लॉजिक है गवर्नमेंट का कि कोविड नाइन्टीन जो है ना ये एक वन टाइम डिज़ास्टर नहीं है जैसे अभी सेकेंड वेव हुआ थर्ड वेव भी होगा तो ये कॉन्टिन्यू हो सकता है तो दिस इज़ नॉट अ वन टाइम डिजास्टर तो ऐसे में एक्स ग्रेशिया पेमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पॉलिसी मेकिंग प्लस इसमें एक और चीज़ है कि ये जो पैसा है ये हम दूसरे वेलफेयर मेजर्स जैसे वैक्सीनेशन हॉस्पिटल्स मेडिकल केयर इन सब चीज़ों में लगाएं वेलफेयर में ऐसे इंडिविजुअली यहाँ पे टारगेट करने का ये गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है लेट अस सी इसमें अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है फिलहाल के लिए ये कहा गया है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन जरूरी है गाइडलाइंस होनी चाहिए एक्स ग्रेशिया यहाँ पे सपोर्ट देने का बिकॉज कोविड नाइन्टीन से जो चैलेंजेस आए हैं ना वो भी बहुत रियल है और वो भी बहुत डिस्टर्बिंग है हमने देखा बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए फैमिली में जो सिंगल जो अर्निंग मेम्बर था वो चला गया है तो फैमिली एंटायर फैमिली अभी बहुत डिस्ट्रेस में आ गई है देर आर थाउजेंड्स ऑफ़ फैमिलीज लाइक दिस सो द पॉइंट इज एक्स ग्रेशिया जरूरी है बट पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी जरूरी है एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए डिबेट एंड डिस्कशन के बाद ओके सो दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड एक्स ग्रेशिया एंड एन डी एम ए इसका कुछ ही दिन पहले हमने एक और आर्टिकल देखा था एनडीए में ऐसे प्रोविजन है कि एक्स ग्रेशिया कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जा सकता है विद इन द लॉज ड्रोन्स जो हैं अब फ्लाइंग टॉयज हैं बैन हो गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में बिकॉज कुछ ही दिन पहले ये ड्रोन्स अटैक हुआ था राजौरी जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ के डीसी का ये स्टेटमेंट है कि यहाँ पे ऐसे बैन हो गए हैं दिस बैन डिप्यूटी कमिश्नर है, है यहाँ के सेक्शन वन डबल फोर लगा हुआ है सेक्शन वन डबल फोर के अंदर बैन इम्पोज हुआ है स्टोरेज सेल पजेसन यूज ट्रांसपोर्ट एनी ड्रोन और स्मॉल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट टॉयज इन द डिस्ट्रिक्ट कुछ भी ऐसे उड़ने वाला जिले में यहाँ पे नहीं होगा राजौरी क्लोज टू एल ओ सी है दैट इज़ वाई ये डिसीजन लिया गया है ड्रोन्स में भी ये टेम्पररी मेजर है ये जो बैन पॉलिसी है ये सस्टेनेबल नहीं होती हमें इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ड्रोन्स टाइप जो अटैक है इसको कैसे हम न्यूट्रलाइज़ करें बिकॉज हाउ लॉन्ग कितने टाइम तक हम ऐसे बैन लगा पाएंगे वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन इलेक्शंस नो गारंटी अगेंस्ट टायरनी सेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमने पॉलिटी की किताबें पढ़ी है नाइन्थ की पढ़ी है आप टेंथ की एंड इलेवेंथ की पॉलिटी की किताब में लिखा हुआ है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर होना ज़रूरी है इलेक्शंस जो होते हैं वो ट्रू नेचर ट्रू विल ऑफ पीपल होना ज़रूरी है यही तो स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी होती है इलेक्शंस में फ्रॉड नहीं होने चाहिए इलेक्शंस में बायस्ड नहीं होने चाहिए इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जैसे ईरान का भी इलेक्शन हुआ 48 प्रतिशत लोगों ने वोट दिया वहाँ पे तो क्या ये इलेक्शन जो हुआ चुनाव तो हुआ बट क्या ये करेक्ट है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेसी क्या ये वहाँ पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंदन करेगा कुछ जगह चुनाव होते हैं बट वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए केवल एक ही पर्सन है देर इज नो कॉम्पिटिशन जो वोटर्स हैं उनके पास चॉइस ही नहीं है तो क्या ये डेमोक्रेसी है क्या इलेक्शन होना ही गारंटी है कि जो गवर्नमेंट बन रही है वो टायरानिकल नहीं है या फिर एवरीथिंग इज इज़ राइट विद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट सो द पॉइंट इज इलेक्शंस सही तब होते हैं जब वो फ्री फेयर मैनर में हो वोटर्स के पास एजुकेटेड चॉइस की बात हो एजुकेटेड चॉइस क्या होती है जैसे बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ फ्रीबीज वगैरह हो जाता है तो इन्फॉर्म्ड डिसीज़न नहीं ले पाते हैं वो तो उस उस डिसीज़न नहीं लेने के कारण जो आउटकम ऑफ इलेक्शन है वो भी इतना करेक्ट नहीं बैठता है इस सब चीज़ों के लिए हमारे यहाँ होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली यहाँ पे चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना साहब ने कहा है कि डेमोक्रेसी खुद को करेक्ट कर लेती है डेमोक्रेसी में फ्लॉड भी है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो लकुना है उसको हम सिस्टेमेटिकली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रोसेस के थ्रू दूर करें अब इसमें आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ई तो ई के बहुत सारे मैंडेट हैं बेसिकली चुनाव रिलेटेड सारे काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है अनाउंसमेंट ऑफ दिस पोल से लेके दिस काउंटिंग एवरीथिंग तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी करता है ये प्रिपेयर करता है अप टू डेट लिस्ट ऑफ वैलिड वोटर वोटर लिस्ट को अपडेट करता है कि कौन चुनाव देने के लिए लायक है या नहीं है अट्ठारह प्लस जो है ना वो एलिजिबल होता है नोटिफाई करता है डेट्स एंड स्कैडल ऑफ इलेक्शन प्रिपेयर करता है अप टू डेट लिस्ट ऑफ वैलिड वोटर्स इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करता है फिक्स करता है लिमिट इलेक्शन एक्सपेंसेस के एक होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट कराता है स्क्रूटनी करता है नॉमिनेशन पेपर जो चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार उनके पेपर सेटल डाउन भी करता है डिस्प्यूट्स जो प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भेजते हैं तो इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसका भी लक्ष्मीकांत में बड़े अच्छे से दिया हुआ है इस चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है हाई इल्डिंग है तो इलेक्शन का साइकिल कैसे होता है पहले तो प्री इलेक्शन का पीरियड है इसमें क्या होगा बजट फंडिंग इलेक्टोरल कैलेंडर बनेगा वर्क प्लान बनेंगे प्लानिंग की बात होगी बिकॉज बैकग्राउंड वर्क तो करना पड़ेगा ना लॉजिस्टिक्स का सिक्योरिटी का स्टाफ का प्रोक्योरमेंट फिर इनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी प्रोसीजर क्या है ट्रेनिंग ऑफिशियल्स की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी सिविक एजुकेशन अक्सर आप देखो एक स्वीप भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडवर्टाइजमेंट भी देता है कि गो एंड कास्ट योर वोट और जो वोट डालो वो एकदम आप करेक्ट वे में डालो किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस होके मत डालो वोटर एंड सिविक एजुकेशन स्टेक होल्डर रजिस्ट्रेशन होता है फिर पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है तो ये जो चीज़ें होती है ना ये साल भर चलती रहती है प्री इलेक्टोरल पीरियड में जब चुनाव हो रहा है चुनाव का डेट्स डिक्लेयर हो गया चुनाव का सीजन आ गया तो उसमें नॉमिनेशन चीज़ें हैं रिजल्ट से रिलेटेड बात आएगी वोटिंग होगा कैंपेन होगा इस पर भी क्लोज मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है तो ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है फिर जब चुनाव हो गया तो अब क्या होता है लेसन सीखे जाते हैं रिव्यू किया जाता है कि क्या सही बैठा क्या गलत हो गया इंटरनल असेसमेंट्स होगा रिफॉर्म्स की बात होगी स्ट्रैटेजी की बात होगी जैसे लोकसभा चुनाव है हर पाँच साल में हो रहा है तो चार साल हमको क्या करना है चार साल हमको प्री इलेक्टोरल जो पोस्ट इलेक्टोरल पीरियड है उसको समझना है जैसे सत्रहवीं लोकसभा हुआ तो उसमें क्या लेसन सीखे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है और उसके बाद जो अगली लोकसभा का चुनाव होगा उसके लिए क्या तैयारी करना है तो ऐसे इलेक्टोरल साइकिल इंडिया में चलता रहता है इंडिया का ये बड़ा अच्छा स्ट्रेंथ है कि हमारे यहाँ अभी सत्रहवीं लोकसभा आ गई है और कॉन्टीन्यूअस रही है यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी डिस्टर्बेंसेज नहीं हुआ है विच इज़ अ बिग अचीवमेंट स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर होता है फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनादर विच इज़ अ बिग अचीवमेंट बट ऐसा भी नहीं है कि सब चीज़ करेक्ट है बहुत सारे फ्लॉज भी हैं हमारे यहाँ इलेक्शन में तो ये तो सी ई सी हो गया जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ई सी ई सी ऐसे ई सी होते हैं दो ई सी होते हैं डेप्यूटी ये बॉडी होती है बेसिकली ये होता है चीफ इलेक्शन इलेक्शन एंड इलेक्शन थ्री मेंबर बॉडी होती है ये अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, है हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या हैं जैसे इलेक्शन का एक्सपेंडिचर जो रूट कॉज है ना सारे जितने भी गड़बड़ होती है वो सब इसलिए होती है कि चुनाव लड़ने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है बहुत ज़्यादा खर्चा होता है तो फिर उस खर्चे की रिकवरी भी होती है तो जो सोर्स कॉज है ना एंटायर करप्शन थिंक का वो है इलेक्शन एक्सपेंडिचर इस एक इलेक्शन का एक्सपेंडिचर चीज़ को हम करेक्ट कर लेना तो हमारे जो इलेक्शन हैं वो काफ़ी स्मूदन आउट हो जाएंगे फंडिंग एक बहुत बड़ा इशू है जैसे कुछ दिन पहले हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पढ़ा फंडिंग है देन ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तो इससे डिफिकल्टी आती है इसके लिए आई थी गोस्वामी कमेटी फ्री बीज एक चीज़ होती है जैसे चुनाव आते है इलेक्शंस में अनाउंस हो जाएगा कि इस बार से बियर फ्री दे रहे हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दे रहे हैं मेट्रो में राइड फ्री कर दिया इस टाइप की चीज़ें आती है फ्री बीज होती है ये बेसिकली एनटाइज करती है वोटर्स को उनको ऐसे कई बार गुमराह भी किया जाता है वो पैनी मतलब थोड़े फ़ायदे के लिए फिर बड़े नुकसान हो जाते हैं उनके क्रिमिनलाइजेशन एक चीज़ है क्रिमिनलाइजेशन इसके लिए वोहरा कमेटी आई थी सेंटर स्टेट टसल एक चीज है कि सेंटर में गवर्नमेंट अलग है राज्य में गवर्नमेंट अलग है राज्य के चुनाव है और दोनों में टसल हो जाएगा देन रोल ऑफ मीडिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बायस्ड है साइलेंस है लॉ कमीशन की रिपोर्ट टू ने बोला था स्ट्रेंदन करो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ टाइम से गवर्नमेंट ये भी आइडिया फ्लोट करा रही है कि क्यों ना साइमटेनियस पोल्स हो पोलराइजेशन होता है हमारी सोसाइटी का इसको बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना है वरना क्या होता है डिवीजन होता है जिसे अंग्रेजों ने किया डिवाइड एंड रूल डिवीजन ऑफ सोसाइटी होता है बेस्ड ऑन रिलीजन प्लेस कास्ट इस टाइप पे डिवीजन होता है तो इससे इलेक्टोरल प्रोसेस डिफीट होती है तो 255th रिपोर्ट ने बोला था स्ट्रेंथन करो ईसीआई को ईसीआई ने भी यह बोला है कि ये पांच की रिफॉर्म्स जरूरी है पहला लॉ मिनिस्ट्री को लिखा है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कि जो भी 18 साल के हो रहे हैं फर्स्ट ऑफ जनवरी को वो खुद ही रजिस्टर कर ले वरना क्या होता है बीस इक्कीस साल के भी हो गए हैं बट अभी तक वोट कास्ट नहीं कर पाए रजिस्टर नहीं कर पाए तो इस प्रोसेस को ईजी बनाए सेकेंड जो कैंडिडेट फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है एफिडेविट में उस पर इम्प्रिजनमेंट लगा दो, दो साल का तो इससे क्या होगा करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी जैसे नो योर दिस कैंडिडेट एक कैंपेन चला था कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं हमें सारे उम्मीदवारों के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी एजुकेशन क्या है क्या उसने कोई क्राइम तो नहीं किया है पास्ट में उसकी पॉलिसीज़ क्या है देन वी शुड नो ताकि हम फेयर चॉइस कर सकें इन्फॉर्म चॉइस कर सकें जो ये पेड न्यूज़ होती है ये इलेक्टोरल ऑफेंस बना दे एडवर्टाइज़मेंट्स जो आते हैं प्रिंट मीडिया में इस टाइम पे उसको साइलेंस किया जाए और एक बहुत अच्छी चीज़ है आधार को लिंक कर दो आप दिस इलेक्टोरल वोटर इपिक कार्ड से इससे क्या होगा बहुत सारे जो बोगस है ना वो हट जाएंगे घोस्ट वोटर्स है ना ये हट जाएंगे बिकॉज आधार नंबर बायोमेट्रिक है ऑल दो आधार नंबर में भी लूप होल्स हैं बट दिस इज़ फार बेटर देन सिंपल इपिक कार्ड तो आधार को लिंक करो जैसे पैन से लिंक किया है ना ऐसे ही वोटर आई डी कार्ड से लिंक कर दो तो इससे बड़ा बेनिफिट होगा इसके अलावा इस कमेटी ने और भी कुछ अच्छी बातें कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना अच्छे से करना है इसे आधार वोटर आई डी लिंक करें देन वोटिंग मैथड है वो सिक्योर सेफ करें जैसे अपन वीवीपैट आ गया था बाद में ताकि और ट्रांसपेरेंसी आ जाए वोटिंग कास्ट करते वक्त कैंपेन एक्सपेंडिचर को कैप कर दो इससे ज्यादा कोई खर्च नहीं कर पाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ जो न्यू वोटर है उसको इजी बनाओ वन सिंगल फॉर्म से हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो और ये क्यों कि केवल जनवरी वन को ही देख रहे हैं अब जो अप्रैल का जो है अट्ठारह साल में अप्रैल में हुआ तो उसको पूरा नौ महीने और वेट करना पड़ेगा अगली जनवरी तक तो हम चार साल चार महीने का ऐसे कट ऑफ डेट बना दें कि जैसे अप्रैल वन में आप अट्ठारह हुए तो आप रजिस्टर कर दो ताकि सितंबर का जो चुनाव आ रहा है उसमें आप वोट डाल पाओगे जुलाई अक्टूबर इस टाइप से तो इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा इपिक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लाए ऑनलाइन नॉमिनेशन हो साइलेंस पीरियड ऑफ फोर्टी एट ईयर हो और दिस नोटा तो है नोटा को और स्ट्रेंदन बनाया जाए रिमोट वोटिंग की बात करें जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पोस्टिंग कहीं पर है बहुत सारे एन आर आईज हैं ये भी वोट डालने के लिए हक में अधिकार देने तो ये चीजें हैं जस्टिस साहब ने कहा इलेक्शन को ठीक करना जरूरी है और ठीक इन तरीके से किया जा सकता है इसका लक्ष्मीकांत का चैप्टर बड़ा अच्छा है आप उसको पढ़ो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये सवाल तैयार करो प्रिपेयर अ नोट ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया सबसे पहले आप बताओ इसकी ज़रूरत क्यों है इससे पहले क्या क्या एफर्ट्स हुए जैसे इलेक्शन कमीशन के इनिशिएटिव लेजिस्लेचर के या फिर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव चैलेंजेस क्या आ जाते हैं प्रेजेंट सिनेरियो क्या है देन सोल्यूशन क्या हो सकते हैं आपके बिहाफ में सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन हाई है बहुत बेनिफिट करेगा ये आगे आपको ओके सो दिस इज दिस टॉपिक अब जो नेक्स्ट है दिस इज नोटिस टू ट्विटर ओवर पोर्नोग्राफिक कंटेंट सी वी कीप ऑन सेइंग ट्विटर जो है ये डबल एज्ड सॉर्ड है इसमें बहुत ज़्यादा हेट ट्रेड विट्रियोल पोर्नोग्राफी ये सब भी है प्लस यहाँ पे अच्छे कंटेंट भी हैं अच्छे हैंडल्स भी हैं द आइडिया इज टू कीप दिस प्लेटफॉर्म क्लींस क्लींस रखना इसको बुली फ्री रखना इसको जो फेक आईडीज वगैरह है उससे दूर करना ये चीज़ होता है तो यहाँ पर अभी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने बोला है कि वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाती है वो इसमें और वर्क करेगी तो दिस इज़ द थिंग गवर्नमेंट ने इस बात का नोटिस लिया है अब ये था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू दिल्ली में टेम्परेचर बढ़ रहा है ओके सो दिस इज द फ्रंट पेज अब ये सेकेंड है सौ साल कंप्लीट हो गए दिस कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को सी को तो सी का ये एडवेटोरियल है बेसिकली एडवेटोरियल में क्या है ये एम्बेसडर हैं इंडिया में इनका ये मैसेज है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिया है बट ये जो पॉइंट्स है ना ये कुछ अच्छे पिलर्स हैं जैसे आप कभी भी आंसर लिखते हो तो सरकार किस डायरेक्शन में सोचती है यूजुअली ऑल गवर्नमेंट्स आर सेम तो जैसे एक इकोनॉमिक फ्रंट पे आपको सोचना है तो आपको अप्रोच कैसे करना है कोई भी टॉपिक आया ना तो ये उसमें आप सब टॉपिक्स कैसे बना सकते हो उसके बारे में आप कैसे सोच सकते हो इकोनॉमिक एंगल क्या है उस चीज का सोचो रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग कैसे सुधार भी हो सकता है पोवर्टी एलिवेशन जैसे चाइना और इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं हमारे यहाँ भी गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है पोवर्टी एलिविएशन तो कभी भी आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रहे हो ना जवाब दे रहे हो ये एंगल आपके दिमाग में होना चाहिए कि पॉवर्टी एलिविएशन कैसे होगा सोसाइटी कंट्रीब्यूशन क्या दे रहे हैं वो हम सोसाइटी में ये पिलर्स हैं मार्कर्स हैं जिस डायरेक्शन में हमें सोचना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया को कैसे बढ़ा सकते हैं क्या हम इनिशिएटिव्स ले सकते हैं देन इसके बाद पीस बिकॉज इंडिया पीस लविंग है वर्ल्ड पीस में हम क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं डेवलपमेंट बेस्ड क्या ले सकते हैं पोवर्टी रिलीफ क्या है कोविड नाइन्टीन फाइट क्या है क्लाइमेट चेंज भी एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है तो ये अच्छा एडवेटोरियल है इससे हम अपने काम की चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि इंडिया कैसे यहाँ पे इन सब चीज़ों पे हम भी कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं तो इस बात पे भी एक व्यू पॉइंट बनाइए इन सारे पिलर्स पे इकोनमी रिफॉर्म्स पोवर्टी डेवलपमेंट पीस साइंस एंड टेक क्लाइमेट चेंज कोविड नाइन्टीन सोसाइटी पोवर्टी एलिविएशन इसको आगे अभी हम लीड आर्टिकल में एक बार और देखते हैं केरला के केसेस हैं ये लॉ यूनिवर्सिटी है ट्वेंटी फाइव परसेंट सीट्स स्टूडेंट्स फ्रॉम कर्नाटका के लिए रिजर्व हो रहा है ये बात है एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री सीक्स सोल्यूशन ऑन बर्ड ड्रॉपिंग सी बर्ड्स आर इम्पोर्टेंट बट बर्ड ड्रॉपिंग्स भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सामने कार खड़ी हुई है गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स वगैरह है बर्ड ड्रॉपिंग से क्या होता है ये डैमेज होती है तो सॉल्यूशन क्या है बर्ड्स का किल करना नो दिस इज़ नॉट एट ऑल अ सॉल्यूशन बिकॉज ये फिर अगेंस्ट हो जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 सॉल्यूशन ये है कि हम कुछ इनोवेटिवली ऐसा निकालें कि बर्ड ड्रॉपिंग में भी से कुछ कवर लगाएँ हम या फिर उनको थोड़ा दूर पार्किंग चेंज करें हम लोकेशन चेंज करें जो मटेरियल है उसको चेंज करें ताकि डैमेज नहीं हो बर्ड ड्रॉपिंग से ऐसे करके कुछ सोचना है हमें ये नहीं देना है कि बर्ड किलिंग करना है एक्चुअली ये एक कॉन्टेस्ट है जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ला रही है इसमें क्या है आप इसका सॉल्यूशन बताओ बिजका क्योंकि इसका एक हमें कंक्रीट सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है सजेशन आ नहीं रहे तो दैट इज़ वाई ये ओपन कर दिया है इनोवेशन आप कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन दो तो ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की बिल्डिंग है ये ग्रीन बिल्डिंग है एनर्जी एफिशेंट है बट बर्ड ड्रॉपिंग्स वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम है तो बर्ड ड्रॉपिंग्स को स्टॉप करने के लिए क्या किया जाए आप इस बात पे सजेशन दो इनोवेटिव आइडिया दो आपको एक लाख रुपए का कैश प्राइस भी मिल सकता है दिस इज गुड देन स्मॉल डोजेज स्मॉल डोजेज ये बात है सेकेंड कोविड नाइन्टीन और फर्स्ट रिलीफ पैकेज में क्या शॉर्ट हुआ और अभी कोविड नाइन्टीन के सेकेंड डोज में रिलीफ पैकेज में क्या गवर्नमेंट ने बोला और क्या कमी है उसमें सबसे पहली तो कमी यह है कि वेयर इज द डिमांड हम लोन गारंटी की बात करते हैं फर्स्ट कोविड है तो रिमेंबर पिछले साल हमने साल भर एक ही बात किया लोन मोरेटोरियम का कि लोन माफ़ी हो रही है लोन का एक्सटेंड किया गया फिर वो कोर्ट में भी गया बड़ा ट्रबल हुआ उसमें लोन गारंटी एक चीज़ इस बार है लोन गारंटी मतलब जैसे अगर बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है तो बैंक आपको लोन भी नहीं देता है कोविड नाइन्टीन है तो बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है तो आपको लोन भी चाहिए तो किस गारंटी पे आप लोन दो सरकार गारंटी दे रही है तो आपको बिजनेस करने के लिए क्रेडिट मिल जाएगा बिजनेस करने के लिए पैसा मिल जाएगा बिजनेस करेंगे तो आप प्रोड्यूस करोगे गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉब्लम यह है उसको आप बेचोगे का वेयर इज द डिमांड वेयर इज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज तो जरूरी है कि हम डिमांड को भी राइज करें मतलब लोगों के हाथ में पैसा हो वरना आपको ये चीज चाहिए बट आपके पास पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसको खरीदोगे नहीं तो वी नीड टू इंक्रीज दिस डिमांड इनकम सपोर्ट्स चाहिए वल्नरेबल सेक्शंस रूरल और अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ डिमांड बहुत वीक हो गई है हाई इन्फ्लेशन है हमने देखा था बारह प्रतिशत छः प्रतिशत से ऊपर जा रहा है सी पी आई डब्ल्यू पी आई हाई इन्फ्लेशन रिड्यूस्ड है इनकम लोगों की इनकम कम हो गई है सेविंग्स उनकी डिप्लीट हो रही है इन्फ्लेशन के कारण भी अनप्लैंड एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं खर्चे हो गए अनसर्टेनिटी बनी हुई है सो इस सब से क्या होता है सेंटिमेंट्स डाउन होते हैं सेंटिमेंट्स डाउन होते हैं तो पर्सन टेंड नहीं करेगा उसका मन नहीं करेगा खर्चा करने का तो इसके कारण डिमांड वीक हो जाएगी पॉलिसी एक्शन इज रिक्वायर्ड और सबसे पहले हम एड्रेस करें एलिफेंट इन द रूम मतलब जो सबसे बड़ी समस्या है एलिफेंट इन द रूम इसको इग्नोर नहीं करें और एलिफेंट इन द रूम क्या है फ्यूल प्राइसेस सौ रुपए के ऊपर चला गया है यह सबसे बड़ा ट्रबल है बिकॉज अगर फ्यूल प्राइस बढ़ती है ना डीजल की प्राइस बढ़ती है तो इससे डायरेक्ट क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा ट्रक वगैरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो उसका सीधा इम्पैक्ट आएगा दिस गुड्स एंड सर्विसेज में तो सबसे बड़ा जो एलिफेंट इन द रूम जिसको एड्रेस करना है वो फ्यूल प्राइसेज है गवर्नमेंट को इस टाइम पे जरूरी है कि वो जो उस पर एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा जो चार्जेस सर चार्जेस वगैरह लग रहे हैं उसको कट करें ताकि पेट्रोल की प्राइस कम हो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस पे तो हम ज़्यादा कुछ डिक्टेट कर नहीं सकते वो मार्केट मतलब ग्लोबल लेवल पे चलती है बट इंटरनली हम जो हमारा एक्साइज है इन सब को कम करें तो हम एड्रेस कर पाएंगे फ्यूल प्राइसेस को फिजिकल रिस्ट्रेन एंड रेटिंग एजेंसी का अभी केयर नहीं करें अगर हम फिजकल ज़्यादा रिस्ट्रेन भी हो रहा है जैसे फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है रेटिंग एजेंसी से हम अक्सर डरते हैं जैसे स्टूडेंट्स डरते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे ऐसा रेटिंग एजेंसीज भी जैसे मूडीज वगैरह है ये हमारी रेटिंग ख़राब कर देगी बट दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर दिस दिस इज़ द टाइम फॉर सर्वाइवल तो रेटिंग एजेंसीज एंड फिजिकल रिस्ट्रेंट कैन वेट इंडिया को अभी जरूरी है कि सबसे पहले वो जो इकोनॉमी फ्रेजाइल है उसको स्ट्रेंदन करें अगर इकोनॉमी सर्वाइव करेगी तो आगे चल के ये नंबर्स भी ठीक हो जाएंगे अभी इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है स्मॉल डोसेज तो थोड़ा यहाँ पे क्रिटिसिज्म है क्रिटिकल व्यू पॉइंट है सरकार ने जो अभी फिजिकल पैकेजेस दिए हैं उसका ये डेजर्ट होम है एक बड़ा अच्छा सचिन तेंदुलकर का इनिंग है फ्यू रिमेंबर डेजर्ट स्टोम था शारजा में खेला था डेजर्ट स्टोम तो जो यूएई है ना ये हमेशा से काफी फेवरेट रहा है क्रिकेट वगैरह का इंडियन क्रिकेट यहाँ पे आईपीएल भी अभी होगा तो डोमेस्टिक वेन्यू बिकॉज कोविड के कारण थ्रेट है तो यूएई एक गुड ऑल्टरनेटिव बन के उभर रहा है हाउ द चाइनीज कम्युनिटी कॉम्युनिस्ट पार्टी एनडीओ चाइना में केवल एक ही पार्टी है चाइनीज कॉम्युनिस्ट पार्टी और पिछले सौ साल से ये यहाँ पे रूल कर रही है एंडियोर्स इतने टाइम तक इसने रूल कैसे किया रूल करने का बहुत सारे इनके तरीके हैं कुछ सही हैं कुछ गलत भी हैं अगर पूरी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का हम फेज़ देखें ना तो बेसिकली इस तीन फेज में इसको डिवाइज डिवाइड कर सकते हैं पहला जो फेज था वो था माओ जेडोंगिरा माओ जेडोंगिरा इस टाइम पे इनका स्ट्रेटजी था स्टैंड अप बिकॉज इससे पहले चाइना की हालत बहुत ख़राब थी नाइनटीन से बिफोर माओ जेडोंगिरा था दिस वॉज अबाउट स्टैंडिंग अप फिर डेंग जियोपिंग एरा आता है इसमें स्टैंडिंग अप से कुछ नहीं होगा अब रिच बनने का टाइम है बिकेम रिच तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे अब रिच भी बन गए बट पावर नहीं है तो अब शी जिनपिंग एरा आ रहा है जिसमें बोल रहे हैं कि पावर लाए तो पहले स्टैंड अप बिकम रिच एंड नाउ इट इज टाइम फॉर पावर तो नाउ चाइना जो है ना वो शी जिनपिंग डॉक्टराइन के अंदर है अब चाइना की हिस्ट्री देखते हैं तो चाइना कोलोनाइज था पहले इसको एक मेलॉन जो होता है ना वाटर मेलॉन ऐसे करके डिफरेंट स्फियर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में वेस्टर्न कंट्रीज ने डिवाइड कर दिया था यहाँ पे जापान ने भी बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज किए जापान जो है ना एक टाइम पे ये भी एक इंपीरियलिस्ट पावर था बहुत ज्यादा इसने एट्रोसिटीज की है रशिया पे भी इधर चाइना पे भी तो जापान वॉर सिविल वॉर कुआमिनटोंग पार्टी को हराया और 1949 में बनी है फिर सी पार्टी ने पूरा कैप्चर कर लिया चाइना को और बना दिया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना तो सी इससे पहले एक सोनीत सेन थे उनकी कुआमिनटोंग पार्टी थी उससे ही फिर 1929 में ये बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तो जो पुरानी कुआ मिंटोंग पार्टी थी ना इनको भगा दिया गया मेनलैंड चाइना से तो ये भाग के कहाँ जाएंगे फॉर्मोसा आइलैंड ताइवान में तो ताइवान में अभी कुआमिनटोंग पार्टी है दे रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं और मेनलैंड में है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना तो दोनों क्लेम करते हैं असली चाइना हम है तो दोनों ही एक दूसरे को रिकोगनाइज नहीं करते हैं दोनों में थोड़ा फाइट चलता रहता है कुआमिनटोंग अभी ताइवान में है और मेन लैंड चाइना में है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो खुद को बोलती है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इससे पहले चाइनीज एम्पायर भी बहुत सारी है फॉल ऑफ किंग एम्पायर लास्ट ईयर जब गलवान क्राइसिस हुआ था ना एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई रेड एक्सटेंसिवली अबाउट दिस चाइना और ये ज़रूरी भी है चाइना को समझना बिकॉज हम अपनी डॉक्टर भी देख रहे हैं मिलिट्री डॉक्टर आइन सी का स्टेटमेंट भी देखा था जो नंबर वन एडवर्जरी हो सकता है जो हमारे लिए चैलेंज करेगा जो हमारे लिए एक्चुअल में थ्रेट है वो है चाइना सो वी नीड टू प्रिपेयर वेल और प्रिपरेशन का नंबर वन रूल क्या होता है वॉर का अफगानिस्तान वॉर से सीखा नो योर एनिमी सो वी नीड टू नो अबाउट चाइना अब चाइना के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि चाइना पहले बहुत पिटा तो चाइना में कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और मैंटेलिटी में ये आ जाता है कि रिवेंजफुल राइज करना है रिवेंजफुल राइज और रिवेंजफुल राइज हमेशा गलत होता है इससे राइज तो हो जाता है बट वो सस्टेन नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग डूइंग्स भी करता है तो चाइना की पॉलिसी में हमेशा रिवेंजफुल राइज दिखा है और एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी दिखी है जैसे बुली करता है ये साउथ चाइना सी में छोटे छोटे कंट्रीज़ को bully करेगा या इंडिया से फाइट कर रहा है इधर नेपाल से कर रहा है इधर तिब्बत एनेक्स कर लिया इसने तो दिस इज़ द प्रॉब्लम दूसरा चाइना का एक और अच्छी चीज़ है वो है कॉपी करना कॉपी कैसे करते हैं जैसे मार्क्स की फिलासफी है बोल है ये कॉम्युनिस्ट लेके आए रशियन रिवॉल्यूशन 1917 ये पूरा टाइम है कॉम्युनिस्ट 1917 इस टाइम पे राइज होंगे तो चाइना ने क्या किया इसका अपना खुद का वर्जन बना दिया जैसे ट्विटर का चाइना का अपना खुद का वर्जन है यूट्यूब का चाइना का अपना खुद का वर्जन है ऐसे ही जो सोशलिज्म है ना मार्क्स फिलासफी उसका चाइना का अपना खुद का वर्जन है तो ऐसे चाइनीज वर्जन हुए अभी यहाँ पे एक म्यूजियम भी आया है उस म्यूजियम में शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन माओज डॉक्टर डॉक्ट्राइन इस टाइप की डॉक्ट्राइंस है डॉक्टर डेंगिंग डॉक्ट्राइंस लाइक दैट तो ये दो चीज थी तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सीनीशन इसका मतलब है उन्होंने फॉरेन कॉन्सेप्ट को चाइनीज कंडीशन के अकॉर्डिंग टिंकर किया और उसको अपना बना के फ्लोट करा दिया फिर एक एक और क्राइसिस आता है दिस टियानमेन स्क्वायर में यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं डेंग जियोपिंग की जो फिलोसफी होती है उससे ज़्यादा इनिक्वालिटी वगैरह भी क्रिएट होती है चाइना के भी दो फेज़ हैं एक फेज़ है जो बहुत रिच दिखता है दूसरा फेज़ है वो बहुत पॉवर्टी में है और डिफ़िकल्टी है वहां पे तो इस बात पे इस प्रोटेस्ट को क्रश कर दिया गया कुड नॉट अफोर्ड केओज तो हमें लगता है ना हमारे इंडिया में फ्रीडम वगैरह नहीं है लुक एट चाइना यहाँ के एक्सेप्टेड ही नहीं है देर इज़ सो मच ऑफ दिस डोमिनेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कु नॉट अफोर्ड के उन्होंने सीखा क्रैक डाउन करते हैं न्यूज बाहर आती नहीं है सेंसरशिप हो जाता है फॉरन अफेयर में लो प्रोफाइल पहले रहा चाइना अब अजर्टिव हो रहा है जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव सो दिसना चाइना सौ साल में पिछले सौ साल में इस कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कैसे इसको आगे बढ़ाया है अब इधर भी प्रॉब्लम है करप्शन है बहुत ज्यादा लॉबिंग होती है यहाँ पे डिफिकल्टीज है बट द पॉइंट इज ये न्यूज बाहर आती नहीं है शी जिनपिंग यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं लेटेस्ट सी आगे क्या होता है बट इन फ्यूचर फाइव टू टेन ईयर्स में मिनिमम फाइव टेन फाइव टेन ईयर्स में हमारा कन्फ्रंटेशन हो सकता है चाइना से देर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी सो देर दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टेप अप आवर गेम हमें भी अप करने की ज़रूरत है अपना गेम हम ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड रहे हैं उसके लिए ओके सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल अब ये है साइलेंस फिल्म फ्रेटर्निटी कल देखा था ये बात है मोन्टेक सिंह टुडे इसमें कुछ पॉलिटिकल अंडरटोन भी है ब्रॉडली कल आपने जो सवाल तैयार किया वो मोर देन सफिशेंट था कि 30 साल में एलपीजी में क्या क्या चेंजेस आए इसका एक राज्यसभा टीवी का डिबेट भी है मैं उसका भी लिंक आज सेंड करता हूँ उस पी बना के उसको भी एक बार गो थ्रू ओके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और ये है लेसेंस फॉर टूडे ये है री एग्जामिनेशन सी एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है एक तो बच्चों को पहले पढ़ाओ फिर ये जांच करो कि क्या उनको कुछ समझ आया या नहीं आया तो एग्जामिनेशन कैसे करें डिसरप्शन हो गया है पैंडमिक के कारण तो अब ज़रूरत है हम इनोवेटिव बने हॉलिस्टिक मेथड लें सी अब जो समय आ रहा है ना वो ज़रूरत है कि हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिवज है ना उसमें अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें इंटरेस्ट डेवलप करें क्रिटिकल इंडिपेंडेंट थिंकिंग बनाए सबको रोबोट नहीं बनाएगी सब बस एक ही लाइन में सोच रहे हैं ऐसे ही लिख रहे हैं नो क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग जैसे मैं आपको बताता हूँ 2013 में जब मैं बेन्स लिखा उस साल ना पैटर्न चेंज हुआ था पहली जो लाइन लिखी थी ना वो पहली लाइन लिखी थी क्वेश्चन पेपर की कि कंटेंट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ योर आंसर कंटेंट जो है ना जो आप लिख रहे हो चाहे वो आप पांच लाइन में ही सही चीज़ बता दोगे आप आगे बढ़ जाओ कंटेंट इज़ ग्रेटर देन लेंथ ये नहीं कि चार पन्ने पांच पन्ने भरने ये पहला लाइन ही लिखा था बट हमारे यहाँ कोचिंग में कैसे प्रिपेयर किया जाता है रोबोट तैयार किया जाता है कि देखो पहले इंट्रोडक्शन लिखो फिर ये लिखो फिर ये लिखो शुरुआत में पहले उसकी भूमिका बनाओ फिर उसका आंसर लिखो फिर कॉन्क्लूजन लिखो पैराग्राफ में लिखो फ्लो चार्ट्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें बताई जाती थी तो स्टूडेंट्स ने क्या किया उस पहली लाइन पे ध्यान नहीं दिया सब लिख रहे अब अगर आप ये अप्रोच से लिखोगे आप पच्चीस सवाल कर ही नहीं पाओगे तो बहुत सारे लोगों का पेपर भी छूट गया अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए वो ढंग से इसीलिए क्रिटिकल और इंडिपेंडेंट थिंकिंग पे मैं हमेशा आपको जोर देने को बोलता हूँ प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो बिकॉज एक्चुअल एग्जाम में क्या आएगा नो बडी नोज हम प्रिपेयर करें आप ऐसे प्रिपेयर करो कि आप जो भी आए उसके लिए रेडी हो क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रहो कॉन्फिडेंस रहे कि मैं कैसे करूंगा आपके पास सारे टूल्स हैं उसको तुरंत वहां पे असेंबल कर पाओ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो सोचने की क्षमता हो स्किल डेवलपमेंट हो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हो कि जो आपने पढ़ा है ना उसका आप इम्प्लीमेंटेशन करो बिकॉज ये जो सिविल सर्विसेज टाइप के एग्जाम्स होते हैं ना ये ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि एक दिन पहले आपने बुक पढ़ ली अगले दिन जाके उसको लिख दिया आप देखोगे एक महीने पहले भी जो आपने पढ़ा था ना वो एग्ज़ाम पेपर में आया ही नहीं ऐसा होता है तो वो तब फिर वो जो रियल टैलेंट है ना वो निकल के बाहर आता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इस चीज़ पे जोर देना है और हर चीज आ जाती है स्पीड पे जैसे हम एस में जाते हैं तो एस में एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी आता है एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है एक वर्ड दिया है और आपको 10 सेकंड का टाइम दिया है उस पर एक सेंटेंस बनाना है अगर इस प्रेशर में ऐसे तो आप बड़े अच्छे सेंटेंस बना दोगे टेन सेकेंड फिर अगला वर्ड आ जाएगा फिर अगला वर्ड आ जाएगा इस प्रेशर सिचुएशन में जो आप एक्चुअल में होना जो थाट प्रोसेस है वो निकल के बाहर आती है इसको साइकोलॉजी टेस्ट बोलते हैं तो इसीलिए जरूरी है कि ये जो एग्जाम्स है ना ये भी टाइम बाउंड होते हैं ऐसे आपको 25 क्वेश्चन दें आप आराम से कर लोगे टाइम बाउंड मैनर पे उसको करना प्रेजेंस ऑफ माइंड से करना ये डिफरेंस क्रिएट करता है स्टूडेंट्स में तो दैट इज वाई आंसर रोज लिखने प्रैक्टिस करते रहिए अपने आप थ्रेशोल्ड आपका अप हो जाएगा यू विल सी एक स्टूडेंट ने बताया कि कैसे राइटिंग इंप्रूव हो रही है प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव हो रही है ये होता है डिसिप्लिन आ रहा है स्टडी एकदम स्ट्रीमलाइन हो गई है तो दैट इज वाई यू हैव टू बी रेगुलर एंड डू द होमवर्क डू द होमवर्क तो ये बात है री इमेजिनिंग एग्जामिनेशन का हम कॉपिंग वगैरह जो है इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू क्यों ना ओपन बुक एग्जाम दें जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया आई गिव यू अ क्वेश्चन आई गिव यू रिसोर्सेज नाउ इट इज अप टू यू कि आप उससे क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो ओपन बुक एग्जामिनेशन आर गुड इसका फ्यूचर है बिग टेक फर्म्स शुड बी अकाउंटेबल ये बात बोला है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बिफोर दैट गूगल ने कॉम्प्लायस रिपोर्ट के कुछ डेटा दिए हैं यहाँ पे ओके एंड दिस इज टू फिक्स एक्स ग्रेशिया अमाउंट सी टेक्नोलॉजी कंपनीज की अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है ट्विटर यूट्यूब फेसबुक इंडिया फ्लैग्स ग्रीन पास ये हिपोक्रेसी है इनकी यूरोपियन कंट्रीज की एक ही वैक्सीनेशन है एस्ट्राजेनेका ने बनाया तो ओके okay. सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से बनाया तो नॉट ओके दिस इज रॉन्ग देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मीटिंग है ई यू ऑफर करेगा वैक्सीनेशन भूटान को इंडिया को कुछ करना चाहिए यहाँ पे वरना ये हमारा दिस रिलेशन पे ये डेंट होगा देन जस्टिस अशोक भूषण जी रिटायर्ड कोर्ट ने सी ए एसपायरेंट्स को रिलीफ दिया कि कोविड की जो सफरिंग है ना ये एक्चुअल एक्चुअल में सफरिंग हुई है आपको फैमिली मेम्बर को जो हुआ है तो ये जो ट्रामा है इसमें आप फिर कैसे प्रिपेयर कर पाओगे इतने हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तो रिलीफ इज गुड ये होना चाहिए देन पायलट सर्च टू सीक फॉलो मी सर्विस टू काउंटर लो विजिबिलिटी अब देखिए ये क्या है डांस फॉर्म्स है जो आर्टिस्ट हैं थिएटर आर्टिस्ट हैं ये सब काफी सफर किए हैं कोविड नाइनटीन में तो एक ऐसा कुछ एप्लीकेशन इन्होंने बनाया है जिससे ऑनलाइन ये आर्टिस्ट अपने ऑडियंस से कनेक्ट हो पा रहे हैं लॉग ऑन करना है आपको कत्तकली में जैसे ये प्ले है चेंदा ऐप के थ्रू हो रहा है कालबेलिया कालबेलिया कहाँ पे होता है मारो राजस्थान ये ग्रुप कॉल वगैरह में ऐसे ये कालबेलिया ऐसे डांस होता है यहाँ पे तो ये आर्टिस्ट हैं कत्थकली डांसर हैं बीजू भास्करन साहब नाट्य आर्ट लर्निंग ऐप है कालबेलिया है ये आर्टिस्ट है विश्व भारत सुवा देवी जी तो ये क्या है डांस फॉर्म है यूपीएससी में और इन जनरल भी जो हमारा कल्चर है हेरिटेज है इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी है हम सी वेबसाइट को देखते रहे ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है सरकारी है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग इस वेबसाइट में ये तीन बड़े काम की चीज़ें आपकी विजुअल आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट लिटररी आर्ट अब जैसे परफॉर्मिंग आर्ट में जाते हैं परफॉर्मिंग आर्ट में आपको डेटा मिलेगा वेबसाइट स्लो चल रही है तो इसमें आपको डेटा मिलेगा जैसे डांसेस ऑफ इंडिया है ना भरतनाट्यम कथकली कथक मणिपुरी ओडिसी कुचिपुड़ी सत्रिया मोहिनीअट्टम ये फेवरेट है बड़े रेगुलर क्वेश्चन आए हैं इससे हर साल ये दूसरे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी फेमस है ये वेबसाइट कंटेंट इज़ रियली गुड म्यूज़िक ऑफ इंडिया है जैसे कुछ दिन पहले हमने हिंदुस्तानी और कार्नेटिक के बीच में डिफरेंस देखा था रीजनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फिर ये थिएटर फॉर्म्स है पपेट फॉर्म्स ऑफ इंडिया है तो इस वेबसाइट को आप देखो जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं ऐसे ही विजुअल आर्ट्स हैं ये काफ़ी अच्छा है ओके तो ये सवाल हमें तैयार करना है प्रिपेयर अ नोट ऑन द क्लासिकल डांस फॉर्म ये जो आर्ट है ना इनके बारे में यू हैव टू प्रिपेयर अ नोट हाई एल्डिंग रहेगा प्रिपेयर कि ये कहाँ पर होता है ये डांस फॉर्म इसके दो चार इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं दो चार इम्पॉर्टेंट प्रोपोनेंट जो इसको प्रैक्टिस करते हैं डांस फॉर्म्स वो कौन है इस पर एक आप एक नोट प्रिपेयर करो और सीसीआर वेबसाइट देखना काफी अच्छा इंटरक्टिव कंटेंट है देन ये बात है फिजिकल डेफिसिट एट बता रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो गया बिकॉज इम्पोर्ट्स आने लग गए इम्पोर्ट्स होता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता है बढ़ जाता है हम बिकॉज इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं सब फार्मर बन रहे हैं यहाँ पे बाइट इन टू असी पास्ट ऑन द ट्रैक देन दिस इज अबाउट स्पेंडिंग कोर सेक्टर का आउटपुट ये नंबर तो बढ़ा हुआ दिख रहा है बट ट्रुथ है कि ये इतना नहीं बढ़ा है बिकॉज पिछले साल बहुत ज्यादा कम था तो बेस इफेक्ट के कारण ये बढ़ गया ईयर ऑन ईयर एक्चुअल में इतना राइज नहीं है करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो गया है रुपी भी पंद्रह पैसे पंद्रह महीने के बिलो लो पे है नॉन फूड बैंक क्रेडिट फाइव आरबीआई बता रहा है इंडस्ट्रियल सर्विसेज लोन डिमांड अभी भी लो है लोकेशन नो बार अब ये इंडियन एक्सप्रेस में है ओके सो दिस इज द हिंदू टूरिज्म में इतना लॉस हुआ ऐसी फोर ट्रिलियन डॉलर का टूरिज्म में लॉस हुआ है इसराइल और वेस्ट एशिया की दोस्ती बढ़ती जा रही है इसराइल सीक्स टू बिल्ड वाइडर टाइज अक्रॉस वेस्ट एशिया यू ए साउदी सबके साथ रिलेशन नॉर्मल हो रहा है बिकॉज इकोनॉमी आ गई है बीच में पैसा आ गया है तो पैसा फ्रंट फ्रंट सीट ले रहा है वेस्ट दिस अरेबियन पेनसुलर कंट्रीज एंड इसराइल के बीच में देन ये विम्बलडन है विम्बलडन चल रहा है ओके okay. अब आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में दिस इज स्मॉल सेविंग की इंटरेस्ट अभी उतना ही रखा है चेंज नहीं किया कम होने की बात थी बट अब नहीं हुआ है ये विच इज गुड देन कोविड विक्टिम्स और ये गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पुणे अब सबसे बड़ा शहर है महाराष्ट्र का सी बृहत मुंबई से भी बड़ा हो गया 440 500 चालीस साल फिर 516 और यहाँ पे पिंपरी चिंचवाड़ भी है पुणे देन नए डीजीपी ऑफ यूपी है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी जरूरी है टेक्नोलॉजी फॉर्म्स की आज है डॉक्टर्स डे डॉक्टर्स डे उसके पहले ये एक आर्टिकल है लोकेशन नो बार गवर्नमेंट को जरूरी है वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत एक्सपीडिशियसली इम्पलीमेंट करे लेटर एंड स्पिरिट में अ बिगर बास्केट है मॉडर्ना वैक्सीनेशन रेगुलेशन फेकिंग इट ब्लफ और पार्टीज मैजिक वेपन अगेंस्ट अगेन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना मल्टीलेटरल फोर्सेस फॉर गुड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी हमें टू ईयर्स के लिए नॉन परमानेंट मेम्बर फोटो आप ज़्यादा होता है कॉशनरी टेल्स चाहिए सर्विस एंड द फोर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करें इवन पुलिसिंग में अब जैसे ड्रोन्स है ना वो पुलिसिंग में भी काफ़ी हेल्प करते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट में या फिर किसी क्रिमिनल को नैप करने में ड्रोन्स द चॉइस नॉट टू रिजेक्ट एंड दिस इज अबाउट दिस इज दिस इज आर्टिकल ऑन हेल्थ हेल्थ मिशन दस्त नियंत्रण कार्यक्रम जिंक जिंक बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है तो ओ जरूरी होता है ओ आर एस क्या होता है आप बताओ वॉट इज दिस ओ आर एस ये अक्सर हम वर्ड देखते हैं ना ओ आर एस तुरंत प्रोवाइड करना चाहिए कि क्या होता है इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसके टेल ओ आर एस तो दिस इज अबाउट जिंक एंड ओ आर एस दिस रोकथाम जरूरी है वेंटिलेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कोविड एंड फाइजर और मिक्सिंग की अभी एक बात चल रही है वैक्सीनेशन देन दिस इज अबाउट यूरोपियन ट्रूप सी लो की एफर्ट है हार के वापस आ रहे हैं अफगानिस्तान से अफगानिस्तान में एक और नाम ऐड हो गया जो अफगानिस्तान जाता है पिटके आता है देन दिस इज अबाउट रिगरस एविडेंस रिक्वायर्ड चाइना कम्युनिस्ट पार्टी हंड्रेड सेलिब्रेट कर रही है जी सक्सेस इतना हो नहीं रहा है कोर आउटपुट गूगल ने कॉम्प्लायंस रिपोर्ट दिया तो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस अब हम देखते हैं ये डॉक्टर्स डे सी आज नेशनल डॉक्टर्स डे है एक जुलाई दो हम सैल्यूट करते हैं सारे डॉक्टर्स को फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस एंड कंटिन्यूड फाइट अगेंस्ट कोविड नाइनटीन पैंडमिक बिग थैंक यू डॉक्टर्स ये हम क्यों मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे 2021 सेलिब्रेट हुआ था 1991 से ऑनर करने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल डॉक्टर बीसी रॉय जो जिनको एक्नोलेज किया गया था कंट्रीब्यूशन टू सर्विंग ह्यूमैनिटी ये है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ओके okay? आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया था तो उसको कोमेमोरेट करने के लिए दिस हम डॉक्टर्स डे यहाँ पे मनाते हैं ओके नेशनल डॉक्टर्स डे 2021 सिंस 1991 अब पी में एक और ये चीज़ है आई एम थिंकिंग कि हिंदी तो हमें डेली कुछ करना है थोड़ा सा पढ़ना है हिंदी उसको पी के आर्टिकल्स वगैरह भी हम यहाँ पर कवर करते हैं ओके तो दिस इज दिस कि अभी 1857 को हम बोलते हैं भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई बट इसके दो साल पहले 30 जून 1855 पे भी एक लड़ाई लड़ी गई थी संथाल रिबेलियन संथाल आदिवासी जिनके नाम से ही अब झारखंड का ये इलाका संथाल परगना कहलाता है तो ये कब हुआ था 1855 ये जितने भी ट्राइबल रिवॉल्व हुए हैं ना ये इसलिए हुए हैं बिकॉज ब्रिटिशर्स आए इनकी लैंड फॉरेस्ट पे कैप्चर कर लिया इनको बेसिक राइट्स डिनाई कर दिए गए उसके अगेंस्ट फिर इन्होंने ऐसे हथियार उठाए कि जो बाहरी लोग हैं उनको यहाँ से भगाओ बिकॉज इनके आने से हमें डिफिकल्टी हो रही है तो ये बात थी यहाँ पे सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ये इंपॉर्टेंट नाम है संथाल रिबेलियन के अंग्रेजी शासन की हुकूमत और मिडिल मैन जो बन गए हैं बाहर से इनके एरिया में आ गए हैं उनके अगेंस्ट इन्होंने वेपन्स उठाए बट प्रॉब्लम ये था कि ये इतने एडवांस्ड वेपन्स नहीं थे ब्रिटिशर्स के पास राइफल्स थी इनके पास खुलाड़ी थी तो कॉम्पिटिशन तो था नहीं तो ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस कर दिया रिवोल्ट को बट ये इंपॉर्टेंट है 1857 से भी पहले 1855 में संथाल रिबेलियन हुआ था अब हिंदी में ही है भारत में नौसेना को आत्मनिर्भर कैसे बनाए हमें स्ट्रेंदन करना है तो पिछले पांच वर्षों में दो तिहाई से अधिक स्वदेशी इंडिपेंडेंट हमने सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया जहाज और पनडुब्बी भी प्रोजेक्ट 75 फाइव इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट 75 से हम पनडुबियों का स्वदेशी निर्माण कर रहे हैं अभी विमान वाहक विक्रांत नाम है जो दिस कैरियर है एयरक्राफ्ट कैरियर है 2022 में आ जाएगा एक है सागर सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इससे हमने कोविड 19 में महामारी में जो भारतीय फंसे थे उनको भी निकाला था हमने ऑपरेशन समुद्र सेतु किया गया था फिर हिंद महासागर क्षेत्र इंडियन ओशन रीजन में हम अपना डोमिनेंस बनाना चाहते हैं बिकॉज इंडियन ओशन जो है ये हमारा बैकयार्ड है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है वो होनी चाहिए इंडिया तो दिस इज आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयास ओके okay? नेवी ये बड़ा आसान था वॉल्यूम ऑफ हॉल निकाल लेते हैं अपन तो ये इतना आ गया एक पर्सन को इतना चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हंड्रेड ऑल दो ये हाइपोथेटिकल है बिकॉज पर्सन तो ग्राउंड पे ही खड़े होंगे बट दिस इज दी आंसर Length of room, breadth, height दिया हुआ है. लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगा डायगनल डायगनल का फॉर्मूला है तो आ गया 30 root 2. Surface area of cube दिया है 6A square होगा, because 6 sides है. होगा, होता आज के सवाल है एज ऑफ राम और श्याम डिफर करती है सोलह साल छह साल पहले राम तीन गुना एज था श्याम से

सो वॉट इज एज प्रेजेंट एज ए की प्रेजेंट एज कितना है ए और बी की एज बताइए सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे ये सोल्यूशन है भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव विमानवाहक विक्रांत और सागर देन दिस इज डॉक्टर्स डे है आज और लोकेशन नो बार आज हमें सी सी आर टी वेबसाइट से क्लासिकल डांस फॉर्म पढ़ना है देन लिबरलाइजेशन कला आपने प्रिपेयर किया था चाइना के बारे में जाने स्मॉल डोजेज हंड्रेड एनिवर्सरी है ये भी इंपॉर्टेंट है Open your lakshmikant electoral reforms. Okay. Then this is uh this is 1st of July 2021, new month. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe. <music>